हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाल घंटी दबाएं, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिस हो, चाहे समाचार चाहे हाल टिकट के बारे में हो, आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों आते हैं, हमने एक बनाया है 40 का पैक। 40 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। ये हैं फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड। ये आप लोग पढ़ लेंगे तो सिर्फ गारंटी कि आप लोग को पास होना है, आप लोग पास हो जाएंगे। अब आप लोग हमको कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बताइए हमको, क्योंकि हम लोग इतना रियाज करते हैं, वीडियो बनाएंगे, बनाकर डाउनलोड उसमें करते हैं, आप लोग भेजते हैं, लेकिन आप लोग एकदम नहीं, कोई भी कि सर कैसा क्वेश्चन हुआ है, पेपर आया कि नहीं आया है, तो हमको कष्ट होता है। तो दोस्तों थोड़ा जो है कि आप लोग कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि सर नहीं क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन दिए आप हैं, जिससे कि हमारा भी जो हौसला बढ़ेगा। तो मैं आप लोग को लेके आया हूँ 40 का पैक, मतलब कि 40 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, फर्स्ट ईयर ऑल टेट। दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? इसका जो है ऑप्शन सही है सी, साक्षात्कार में जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा स्वर नहीं है? इसका जो ऑप्शन सही है सी, यह स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे डैश कहा जाता है। इसका जो है ऑप्शन सी हुआ ए, होमोफोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को डैश कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही है बी, साइबर क्राइम अपराध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन सही है ए, लैन का। क्वेश्चन नंबर 6, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में ट्विस्ट लंबाई बार प्रिंट मुद्रित होता है? इसका आंसर सही है सी, पोर्ट्रेट में। क्वेश्चन नंबर 7, वान का विस्तार है? इसका ऑप्शन सही है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सही है बी, कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्यों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर है डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। क्वेश्चन नंबर 10, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? इसका ऑप्शन सही है ए, संदेश अस्पष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 11, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है? इसका आंसर सही है ए, कार्यशील पूंजी में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, संयुक्त उद्यम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एटीएम का विस्तार डैश होता है? इसका ऑप्शन आपका सही होगा बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 14, केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है? इसका जो है ऑप्शन होगा आपका सही डी,
आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? इसका आंसर सही है बी, 80 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन का सही है बी, शारीरिक जोखिम। क्वेश्चन नंबर 17, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी डैश से अधिक नहीं होने चाहिए? इसका ऑप्शन सही है 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है? ऑप्शन सही है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या डैश होती है? ऑप्शन सही है सी, कुल संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा फार्मूला सही है? इसका ऑप्शन है ए, क्यू बराबर पी बटा क्यू है। क्वेश्चन नंबर 21, एक रिज्यूम डैश होना चाहिए? ऑप्शन सही ए, छोटा और सटीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, कार्डिनल नंबर कौन सा है? इसका ऑप्शन सही है ए, 10, कार्डिनल नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न स्तर की भाषा को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन सही है सी, मशीन भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डैश कहा जाता है? इसका ऑप्शन सही है बी, नौकरी का विवरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर प्रणाली में डैश होते हैं? इसका ऑप्शन सही है बी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? इसका ऑप्शन है बी, सीसी से जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सीपीयू से तात्पर्य है डैश, सीपीयू से सही ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है? ऑप्शन सही है ए, सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 29, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सही है सी, प्रशंसात्मक लिसनिंग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है? इसका ऑप्शन सही है सी, एथिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डैश क्या कहा जाता है? ऑप्शन सही है बी, उसे उद्यमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? इसका आंसर सही है सी, टैली। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 33, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है विनिर्माण उद्यम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कम उत्पादकता से डैश, आंसर सही है सी, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, एक आदमी प्रेरित
खतरों में से कौन सा है? इसका ऑप्शन सही है ए, भूस्खलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है डैश। ऑप्शन सही सी, पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन सही बी, सामग्री का पुनः चक्रण। क्वेश्चन नंबर 38। ILO का विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39। फिश बोन चार्ट को डैश भी कहा जाता है। इसका आंसर सही है ए, कारण और प्रभाव आरेख। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, काइजेन का अर्थ है? इसका ऑप्शन सही है डी, निरंतर सुधार है। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है, विनती है कि जब मैं आपको 40 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ इम्प्लायबिलिटी सीरीज का, इसी में से आप लोग श्योर 100% पास हो जाएंगे। इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एकदम घुल के पी जाइए और हमको कमेंट कीजिए कि सर जो आपने पढ़ाया था 40 का पैक, इसमें से हम लोग पढ़े हैं और पास जाएंगे या हम लोग बढ़िया क्वेश्चन किए इसमें से है। इसलिए है, फिर रिक्वेस्ट आपसे एक बार है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। हमको दुख होता है कि आप लोग कमेंट करते नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है, कुछ लिखते भी नहीं है कि सर क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, आप गलत पढ़ा रहे हैं कि आप सही पढ़ा रहे हैं, तो दुख होता हमको। इसलिए मित्रों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप तुरंत कमेंट करके बताएं, परीक्षा देने के बाद जैसे बाहर आए कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया था उसमें से हमारा इतना क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, बताना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।